हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे क्या कि आज हम बात करने वाले हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के कट ऑफ एंड रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हमारी चीज को देखें जाने, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपको वीडियो आ रही हो पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज को। आपके बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि सर हम लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा, तो आपको इस वीडियो में इसका टाइम ही पता चल जाएगा। एंड इसके साथ साथ यदि आपको यहाँ पर 27% रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है, तो आपका कट ऑफ क्या रह सकता है ये भी देखने वाले हैं। बट या फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड कर रखा है जिसमें आपका 27% रिजर्वेशन लागू नहीं होता, तो उस कंडीशन का हमने यहाँ पर आपको कट ऑफ पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को इस कॉर्नर में जाके देख सकते हैं, आई बटन का साइन आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से कमेंट्स ऐसे आए हैं कि सर आखिरकार रिजर्वेशन लागू होगा तो कट ऑफ क्या जा सकता है वो बताइए। तो फ्रेंड्स, हम वही सब जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वन बाई वन करके हर एक कैटेगरी का। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का कट ऑफ आफ्टर 27% रिजर्वेशन। आप लोगों का यूआर कैटेगरी का क्या जा सकता है हम वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में मेल से बनाए हैं कितने मार्क्स, जी हाँ दोस्तों, आपके करीबन 66 से लेकर आपके 67 के बीच। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मार्क्स 66 से लेकर 67 के अराउंड आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है, 100% श्योर है। बट इतने मार्क्स आपके होने चाहिए 66 से लेकर 67 के बीच। और इसी प्रकार से यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम में बन रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मार्क्स समथिंग समथिंग 63 से लेकर आपके 64 के समथिंग आ रहे हैं, 63 से लेकर 64 के बीच, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, बट इतने होने चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जान लिया आपकी यूआर कैटेगरी से कितने 66 से लेकर 67, आपके आपके फीमेल के कितने 63 से लेकर 64, इतने आपके हैं तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपके यहाँ पर सेव स्कोर है, गुड स्कोर है, डोंट वरी योर सेव। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार ओबीसी का कितना जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर हमने हर एक चीज का एनालिसिस कर लिया है, आपके आफ्टर रिजर्वेशन 27% एंड आपकी सीट्स, आपके लास्ट ईयर का कट ऑफ, हर एक चीज को मैंने देख लिया है। देन इसके बाद यदि आपके मार्क्स बन है कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में मेल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने, करीबन आपके मार्क्स आने चाहिए 62 से लेकर 63 के बीच। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 27% रिजर्वेशन, उसके पहले नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आपको यहाँ पर इससे 2+ करके रखना है, बट यदि ऐसा हो रहा है कि आपका रिजर्वेशन लागू हो रहा है 27%, तो आपके मार्क्स इतने इनाफ हैं। यदि आपके 62 से लेकर 63 के बीच मार्क्स हैं मेल कैटेगरी से, तो आपके समझिए कि आपका चांस बिल्कुल पूरा पूरा है, 100% है। इसी प्रकार से आप फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन यहाँ पर 59 से लेकर 60 के बीच। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके 59 से लेकर 60 के बीच मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर 27% रिजर्वेशन फीमेल से ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका सिलेक्शन भी कोई दादा रोकने वाला नहीं है। ओके, इतना इनफ है, आप सुरक्षित हैं, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। अब डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम का एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं एससी की। तो दोस्तों, आपको बता दें यदि आप मेल हैं और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स करीबन करीबन होने चाहिए कितने, जी हाँ दोस्तों, आपके मार्क्स समथिंग समथिंग होने चाहिए आपके 60 से लेकर 61 के बीच। जी हाँ दोस्तों, 60 से 61 के बीच, इतना यदि आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका स्कोर यहाँ पर सेव स्कोर माना जाएगा, बिल्कुल गुड है। आप इससे माइनस ही
अपेक्षा कर सकते हैं, प्लस तो बिल्कुल सोचें भी मत। इससे ज्यादा आपका कट ऑफ देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये तो श्योर है। कम ही आपको कट ऑफ इससे देखने को मिल जाएगा, -2 के समथिंग। ओके, और इसी प्रकार आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, ऐसी आपकी कैटेगरी है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर स्कोर होना चाहिए करीबन 57 के समथिंग। इतना यदि है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर होने वाला है। आपको भी टेंशन की आवश्यकता नहीं, आप अपने नेक्स्ट फेज मेंस एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि आखिरकार एसटी कैटेगरी का कितना जा सकता है एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं, तो दोस्तों यदि आपने मार्क्स बनाए हैं करीबन करीबन 57 से लेकर 58 के समथिंग, जी हाँ दोस्तों आपके 57 से लेकर 58 के समथिंग समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। आपका सिलेक्शन 101% श्योर है। आप इतने में सुरक्षित हैं, आप अपने मेंस की तैयारी में लगे रहें, टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से बात करते हैं सर फीमेल, तो दोस्तों यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है क्या एसटी, तो आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन, आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए 56 से लेकर कितने 57 के अराउंड। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके 56 से लेकर 57 के मार्क्स बन रहे हैं इतने के समथिंग, तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, हमने यहाँ पे जान लिया आपके ईआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके किसका, वीएच, ओएच एंड डबल एच, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का कट ऑफ क्या रह सकता है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि आपके एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं और आपने मार्क्स बनाए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आपने करीबन समथिंग समथिंग यहाँ पर 65 के समथिंग यदि आपके मार्क्स हैं, 65 के समथिंग आपके मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो दोस्तों आपके यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए करीबन करीबन आपके 60 से लेकर 62 के बीच, जी हाँ दोस्तों इतने आपके मार्क्स होना अनिवार्य है। इतने यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं, बट इतने होने चाहिए। ओके, ये हो गया आपका किसका, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। चलिए अब हम देख लेते हैं ओएच, वीएच एंड डबल एच। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप लोगों का ओएच का कट ऑफ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप ओएच से बिलोंग करते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, यदि आप मेल हैं तो आपके करीबन यहाँ पर 55 के समथिंग समथिंग मार्क्स होना अनिवार्य है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और इस प्रकार से आप फीमेल हैं तो आपका यहाँ पर दोस्तों 54 के समथिंग समथिंग आपका सिलेक्शन श्योर है, बट इतने होने चाहिए 55 और 54, इतने हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। चलिए हम देख लेते हैं पीएच के अंतर्गत आने वाली वीएच कैटेगरी क्या हो सकता है इसका कट ऑफ। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार जो पीएच के अंतर्गत वीएच कैटेगरी आती है, तो उसमें क्या जा सकता है हम लोगों का कट ऑफ। तो दोस्तों यदि बात करें, आप मेल हैं तो मेल का करीबन यहाँ पर समथिंग समथिंग रह सकता है, आपका वॉइस सेम ही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप 55 से 56 के समथिंग समझ लीजिए, इतना ही रहेगा आपका, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, कम ही अपेक्षा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रह सकता। समथिंग समथिंग आपके यहाँ पर भी 54 से 55 के समथिंग रहे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाता है, इतने में आपका सिलेक्शन डन है, आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लगे रहे आपके मेंस की। ओके, चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट डबल एच। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि सर आखिर जो पीएच के अंतर्गत कैटेगरी आती है डबल एच, इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों यदि आप मेल से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स बने हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आपके करीबन समथिंग आ रहे हैं 48 से लेकर यहाँ पर आपके 50 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं मेल कैटेगरी से, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाता है 100%, इतने में आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है आपको। और यदि आप फीमेल भी हैं तो आपका कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा नहीं रहने वाला, यहाँ पर आपका कट ऑफ भी ऐसे ही रहने वाला है करीबन 47 से लेकर 49 के समथिंग समथिंग, इतना आपका स्कोर है, बिल्कुल 100% आपका
सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर जितनी भी कैटेगरियां होती हैं आपका सबका कट ऑफ डिस्कस कर लिया आफ्टर 27% रिजर्वेशन की, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही थी कि कहीं यहाँ पर 27% आरक्षण लागू होता है तो किया जा सकता है हम लोगों को कट ऑफ। अब एक बात निकल के आती है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस समय आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों बात करें रिजल्ट की तो आज आपकी 27 तारीख हो चुकी है, आपकी 27 तारीख हो चुकी है दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो आपको कल या परसों में 100% देखने को मिल जाएगा 28 या फिर 29, क्योंकि 29 की फरवरी है तो आपका रिजल्ट 101% पूरे पूरे चांस जा रहे हैं कि आपका रिजल्ट कल या परसों में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। आप इसकी टेंशन छोड़ दें, आपका रिजल्ट कल परसों में आने वाला है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, क्या यदि आप यहाँ पर कांस्टेबल या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं कल ही से, तो आप ज्वाइन करिएगा। डेली आपको नाइट में 8 PM पर लाइव क्लास मिलेगी, आप आना मत भूलिएगा। आपके जो क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एमपी जी की बहुत पूछा जाता है, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है आपके एसआई हो या फिर आपका कांस्टेबल हो, इसी प्रकार के आपके जो जो क्वेश्चन अभी तक ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुए हैं उसी प्रकार का हमने सेट्स कंप्लीट किए हैं। तो आपको पर डे यहाँ पर 8 PM पर क्लास मिलेगी, आप आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।